हम लोग जब फर्स्ट कांटेक्ट के लिए 4 जनवरी एमबी टारमुंगली से पहुंचा है, वो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर का चीफ है और टीम में लीडर था मिस्टर एस आवडाडी, डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर, और हमारे साथ एक मेडिकल ऑफिसर भी था अरुण मल्लिक, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे से बाई प्रोफेशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैं थी, और टीम में और टोटल मेंबर 13 था, पुलिस था प्लेन ड्रेस में हमारा साथ, और जैसे कुछ क्रू मेंबर। तो हम लोग जब हमारा टारमुंगली शिप बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुंचा है, वहाँ से सेंटिनल आइलैंड दिखाई दे रहा था, और दूर दूर से कोशिश किया कोई सेंटिनलीज वहाँ पे समुद्र किनारे में घूम रहा है नहीं है, तो हम लोग देखा कोई नजर भी नहीं आया, तो बाइनाकुलर से भी देखा नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद सुबह 7:30 के आसपास देखा, मैंने जंगल से थोड़ा स्मोक धुआं 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 जैसा आ रहा है, तो हम लोग को लगा ये स्मोक मतलब ये कोई मतलब इंसान का जंगल में इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट, मतलब जंगल में कोई इंसान है तभी वो आग जला है। तो हम लोग सोचा वो सेंटिनलिस्ट जरूर इधर होएगा, कुछ सेंटिनलिस्ट, तो उसी स्मोक को लक्ष्य करके हम लोग उधर चला गए, उधर हमारा बोट गिफ्ट लेके उसी डायरेक्शन में चलना शुरू किया। तो फिर थोड़ी देर में पहुंचने के बाद देखा कुछ सेंटिनलीज सीशोर में घूम रहा है उस टाइम, तो हमारा जो डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर था उन्होंने बोला कुछ गानी बैग फूल कोकोनट मतलब बस्ता में जो है कोकोनट वो बस्ता के साथ रख दो, वो थोड़ा दूर में जहाँ सेंटिनलीज घूम रहे वहाँ पे नहीं, वहाँ से थोड़ा दूर। तो हम लोग रख के फिर हमारा बोट थोड़ा स्लो मोशन तो धीरे धीरे चलने लगा, मतलब यहाँ एक डायरेक्शन में गया फिर ऐसे ही सीशोर का आसपास में घूमने लगा ये, और हम लोग उनको ऑब्जर्व करने लगे ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जब हम गानी बैग रख दिया वहाँ पे बस्ता रख दिया, तो कुछ देर के बाद देखी कुछ सेंटिनली जो नारियल बस्ता है पास में जाके उसको अपना बीच में डिस्ट्रीब्यूट अपना भाग कर लिया, और कोई कोई खाने भी लगा। अच्छा। तो इसके बाद हम लोग फिर ऐसे ही हम लोग कोई कोई जगह में बस्ता रखते गया और लोग ऐसे ही कर देंगे, तो हमारा दल में हमारा टीम में डिसाइड हुआ हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसे ही बोट के अंदर कोकोनट हम लोग एक खुल के एक एक करके गानी बैग खुल के एक एक कोकोनट देते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है, रिपार्केशन क्या है उसका। फिर हम लोग थोड़ा पानी में एक एक नारियल डालते रहेगा, और वो लोग पहले शुरू में नहीं आया, और वो जब फ्लोट होके जब शीशोर में चले गया वो लोग वो लोग भी देख रहे था एक क्या कर रहे हैं लोग, मतलब एक एक करके। थोड़ी देर के बाद वो भी थोड़ा सा फ्रेंडली होने लगे, और वो लोग वो कोकोनट अपना अपना जगह में मतलब रख शीशोर में रखना शुरू किया, और धीरे धीरे पानी में आया, और जो फ्लोटिंग कोकोनट भाषमान जो कोकोनट वो धीरे धीरे अपना का लेना शुरू किया, और एक एज कुठार जो बोलता है वो भी लेके आया, जो क्योंकि वो जंगल में भी जाता है सब उसका साथ रहता है, तो एज के साथ भी कुछ कुछ नारियल ले आया, और जब नारियल बहुत हो गया तो एक कैनो भी लेके आया, तो कैनो में नारियल रख के तो समुद्र किनारा में लेके जाके कोशिश कर रहे थे भाई ओके। तो हम लोग जब सब नारियल वगैरह हमारा टीम मेंबर सभी लोग दे रहे थे, वो ये लोग भी धीरे धीरे आया हमारे हाथ से भी लिया नारियल, और कभी कभी स्विम मतलब तैर के कभी हमारा लाइफ बोट भी मतलब छोने लगा, तो उसको हम लोग को लगा इसका डर कम हो गया, तो धीरे धीरे हम लोग वही प्लेफुल मतलब वो प्लेफुल मूड पे था उस टाइम हमारा, तो 12:30 के अंदर दोपहर को तो ऐसे हमारा तब गिफ्ट सारी जो नारियल लेके गया था वो खत्म हो गया। तो हमारा टीम लीडर बोला हम लोग देखते हैं और हम और ज्यादा कोकोनट लेने दोबारा लेके आते टारमुंगली शिप से,
सैटर मुगली शिप बहुत दूर एंकर किया था. हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोग देखे सारी वो सेंटिनलीज हम लोग को हम सीशोर से सीशोर में सीशोर से देख रहे हैं, हम लोग वॉच कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं. तो हम लोग भी थोड़ा जेस्चर में थोड़ा हिंदी में बोला, हम लोग लेके आ रहे हैं वो देखो दूर में जहाज है हम और भी लेके आ रहे हैं तुम लोग जाना नहीं. तो बट कोई किसी को भाषा समझ में नहीं आता जो भी है. तो हम लोग जब फिर दोबारा लेके आया जब गिफ्ट तभी भी देखा ये लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा. वो कोई अंदर अंदर में नहीं चला गया, कोई बैठा था कोई खड़ा था. तो हम लोग जब फिर दोबारा गिफ्ट लेके आया जैसे नारियल तो ऐसे ही पानी में देते रहे और ऐसा भी हाथ में भी. तो एक इस टाइम में चार पांच सेंटिनलीज मेल जब लेना शुरू किया ले भी रहे तो अचानक एक में सभी हमारा अचानक हमारा टीम का सदस्य लोग चिल्ला के बोलता देखो देखो तीर उठाया तीर उठाया तीर उठाया सब बोट में आ जाओ बोट में आ जाओ वहाँ. तो फिर क्या तीर उठाया क्या है. फिर मैंने थोड़ा वो हम थोड़ा घूम के देखिए एक लड़का 19-20 साल की है वो हम लोग को तीर उठा के ऐसे ही खड़ा है. और उसको उनको बाजू में जो लेडी को देखी मैंने तो हमें लगा उनका मादर माँ हो सकता और भी कोई रिश्तेदार हो उनका माँ का तरह. तो हमने उनको बोली कायरी. हमने इसके बीच में हम नौंगी भी स्टडी कर चुका था तो हमने उनके साथ हम भाषा का कम्युनिकेशन मतलब भाषा बोल सकते थे कम्युनिकेट कर सकते थे होंगी भाषा. तो हमने उनको बोला कायरी इसेरा मतलब माँ और मादर आंटी इधर आ जाओ मतलब उनका नारियाली जबा जबा नारियाली. हम दोनों हम लोग भी बोल रहे थे वो लोग भी बोल रहे थे उंगी भाषा में. नारियाली मीन्स नारियाली जबा 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 मीन्स मोर एंड मोर. तो हमारा बहुत सारा नारियल था तो बोला आप आ जाओ और नारियल ले लो. तो कुछ देर के बाद ऐसे हम जो हम केवल मेरा मेरे को मन में लगा जो लेडीज होता है कोई भी कम्युनिटी थे वो उनका जो वायलेंस को कंट्रोल कर सकता है. इसीलिए फिर देखी थोड़ी दिन के बाद ही सब चिल्ला रहे थे तीर पानी में चला गया. तीर पानी में क्या चला गया. फिर देखी एक्चुअली वो जब हम उनको बुलाया था वो लेडी को तो उनको बाजू में जो तीर उठा के खड़ा था वो उन्होंने तीर को डायरेक्शन घुमा दिया पानी में और तीर पानी में चला गया. तो और वो उस लड़का को हमारा टीम के पास भेज दिया.